हेलो सुपर फ्रेंड्स यार, कैसी हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। दांते, साइतामा, क्रेटोस एंड सुपरमैन, ये चारों ही कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह के मोस्ट पावरफुल बींग्स में आते हैं। एंड लिटरली यार, यहाँ पर दांते एंड क्रेटोस ना कुछ हद तक सिमिलैरिटीज भी रखते हैं। एंड ऑफकोर्स गेमिंग कैरेक्टर है, एक तरफ दांते है जो कि डेविल हंटर है, हाफ डेविल एंड हाफ ह्यूमन है। दूसरी तरफ क्रेटोस जो है ना, वो हाफ गॉड एंड हाफ ह्यूमन है, वो एक डेमी गॉड है। और सुपरमैन तो भाई DCEU का जस्टिस लीग का मोस्ट पावरफुल बींग आता है। एंड साइतामा लिटरली वन पंच मैन पूरी सीरीज का मोस्ट पावरफुल बींग है, जिसने कि अभी तक अपनी पावर्स का कुछ ही % यूज किया है। एंड अभी तक उसकी पावर का फुल पोटेंशियल तो भाई कभी देखने को ही नहीं मिला है। तो इन चारों कैरेक्टर्स के बीच में हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा कैरेक्टर मोस्ट पावरफुल आता है। एंड लिटरली भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। एंड अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है? तो अब भी इनकी कुछ मेन पावर एबिलिटीज को जान लेते हैं, जिससे कि आगे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो ना समझने के लिए। तो फटाफट से इनकी कुछ मेन पावर एंड एबिलिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें डांटे की, तो डांटे एक डेविल हंटर है, अनडिफीटेबल सन ऑफ स्पार्टा। डांटे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रखता है। लिटरली डांटे जो है ना, उसने अंडरवर्ल्ड के टफेस्ट डीमन को अपने स्ट्रेंथ के दम पर हरा दिया था। उसका हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा फास्ट है कि लिटरली उसके कब चोट लगेगी एंड कब उसकी चोट हील हो जाएगी, इसके बीच के टाइम का कभी हम पता लगा ही नहीं सकते हैं। डांटे अपने ओपोनेंट्स के साथ लड़ता नहीं है, वो उनके साथ खेलता है भाई। मतलब वो कभी सीरियस होता ही नहीं है, ऐसे मजाक मजाक में ना पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट को मार देता है। इतनी डेडली फाइट्स लड़ता है, वो भी मजाक में भाई। और बाई चांस अगर सीरियस हो गया ना अपनी फाइट में, तो समझ लो भाई ओपोनेंट चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो डांटे के आगे खड़ नहीं सकता है भाई। एक्चुअली में डांटे है ना, वो चलता फिरता वेपन का दुकान है। लिटरली उसके पास इतने सारी वेपन्स है, और ये सारे वेपन्स कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं होते हैं, इनके अंदर मैजिकल पावर्स होती है, डीमंस को मारने वाले वेपन्स होते हैं ये। एंड लाइक इसके पास जो पावरफुल वेपन्स में आते हैं ना, लाइक रेबेलियन जो कि एक मैजिकल स्वॉर्ड है, उसके अंदर ऐसा फुल मैजिक वैजिक की पावर्स भर रखी है। एंड फिर आता है फोर्सेज स्पार्टा। एंड डांटे के रिफ्लेक्सेस, उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है, पंचेस वंचेस तो भाई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये सारे मतलब ऐसा उसका नॉर्मल बेस वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं ना। अब भी बात करें हम उसका जो अल्टीमेट डेविल फॉर्म है, उसमें जाने के बाद तो लिटरली उसकी सारी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसमें जाने के बाद जो डांटे है वो पूरी तरह इमोर्टल एंड इनविंसिबल हो जाता है। उसको हराना इम्पॉसिबल चला जाता है भाई। उसके पास यहाँ पर मैजिकल पावर्स आ जाती है। अब भी उसकी जितनी भी नॉर्मल बेस वाले फॉर्म में जो पावर्स थी ना, वो सारी भी रहती है, लेकिन वो सारी पावर्स पहुंच जाती है एकदम अल्टीमेट लेवल पे। एंड लिटरली इस वक्त भाई जो अपना डांटे है ना, उसके पास क्विक सिल्वर की हेल्प से टाइम को कंट्रोल करने की पावर भी आ जाती है। एंड लिटरली डांटे ओवरऑल बहुत ही ज्यादा पावरफुल आता है। तो अभी नेक्स्ट बात करें सुपरमैन की पावर एंड एबिलिटीज की, तो सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बींग आता है। लिटरली DCU के अंदर उसकी पावर एंड एबिलिटीज गॉड की तरह है भाई। जो सुपरमैन है ना, उसको उसकी पावर एंड एबिलिटीज मिलती है सन से। वो जितना सन के करीब रहेगा, उसकी पावर एबिलिटीज उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। लिटरली यार, अगर किसी को भी अपने फेवरेट कैरेक्टर को ऐसे कंपेयर करना होता है ना, तो डेफिनेटली वो सुपरमैन के साथ ही उसको कंपेयर करता है। क्योंकि सुपरमैन ऑफकोर्स यार इतना पावरफुल आता है ना, कि अगर किसी का फेवरेट कैरेक्टर सुपरमैन से जीत गया तो फिर कंफर्म हो जाता है कि नहीं भाई, अभी वो कैरेक्टर पावरफुल आता है। देखो क्यों? क्योंकि सुपरमैन के पास स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा आती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके पास हीट विजन है, सुपर ब्रेथ आती है। एंड लिटरली भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है ना कि स्टीफन वुल्फ का जो एक्स था, वो भी उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। उसने स्टीफन वुल्फ को अपने एक दो पंचेस में ऐसा धूल चटा दिया था। उसका जो हीट विजन है ना, उसने स्टीफन वुल्फ के आर्मर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड लिटरली जो सुपरमैन है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस भी रखता है। वो जब फ्लैश के साथ फाइट कर रहा था, तो वो फ्लैश को ना सिर्फ देख पा रहा था, वो फ्लैश के ऊपर अटैक भी कर पा रहा था। एंड लिटरली भाई जो फ्लैश है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सुपरमैन है ना, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करने की ताकत रखता है। तो अभी नेक्स्ट बात करें क्रेटोस की पावर एंड एबिलिटीज की, तो जो क्रेटोस है वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ गॉड है, वो एक डेमी गॉड है। जैसे कि जो अपना डांटे था ना, वो डेमन्स को हंट करता था, वैसे ही क्रेटोस गॉड्स को हंट करता है, वो गॉड्स को मारता है। लिटरली इसीलिए उसको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। एंड डेफिनेटली वो एक डेमी गॉड है, तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, ऐसी बहुत सारी पावर्स आएगी। एंड क्रेटोस जितना ज्यादा गुस्सा होता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। क्रेटोस के पास बहुत सारे वेपन्स आते हैं, जिसमें आते हैं लेविथन एक्स जो कि उसकी मेन वेपन भी रहता है, ब्लेड ऑफ एथीना एंड ब्लेड ऑफ ओलंपस। लिटरली ये मोस्ट पावरफुल वेपन आता है पूरे गॉड ऑफ वॉर सीरीज का,
ब्लेड ऑफ ओलंपस गॉड्स को मारने की ताकत रखता है। इसकी वजह से ही जो क्रेटोस था उसने ज्यूस को मारा था। एंड भाई लिटरली यहाँ पर अगर मैं तुम्हें क्रेटोस की ड्यूरेबिलिटी बताऊँ ना, तो जो ब्लेड ऑफ ओलंपस था जब उसने ज्यूस को मार दिया ना क्रेटोस ने, तो उसके बाद मतलब जो क्रेटोस था उसने सोचा वो खुद को भी मार देगा, तो उसने ब्लेड ऑफ ओलंपस को मतलब अपने ऊपर भी अटैक करा उससे। बट उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी लिटरली वो उस ब्लेड ऑफ ओलंपस के अटैक को झेल गया। मतलब जो अटैक ज्यूस को मार चुका है वो अटैक को वो आराम से झेल चुका है। मतलब आराम से तो नहीं, उसको डैमेज हुआ था लेकिन वो झेल चुका है, वो मरा नहीं है। एंड अभी तो वो नॉर्स माइथोलॉजी में चला गया, तो अभी और उसकी पावर एंड एबिलिटीज अच्छे से देखने को मिलेगी। एंड हाँ, क्रेटोस के पास बहुत अच्छी स्पीड एंड बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस भी है। क्रेटोस के पास स्पार्टन रेज भी तो है ना, जिसमें जाने के बाद उसकी सारी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके ओपोनेंट में कोई भी हो उसको मतलब नहीं है भाई, वो अपने स्पार्टन रेज में बस उसको हरा देगा, चाहे कैसे भी हराना है वो हरा देगा। क्रेटोस जो है ना उसने सारे गॉड्स को मारा है, इंक्लूडिंग ज्यूस, पोसाइडन, हरक्यूलिस, जितने भी थे ना ग्रीक गॉड्स, उन सभी को मारा है। एंड क्रोनोस के साथ भी फाइट करी है। तो अभी फाइनली बात करें साइतामा की, तो साइतामा लिटरली अपनी सीरीज का मोस्ट पावरफुल बींग आता है। अभी तक उसकी पूरी सीरीज के अंदर ऐसा कोई बींग है ही नहीं जो कि उसके एक सीरीज पंच को झेल सके। मतलब यार वैसे तो नॉर्मल पंच को भी नहीं झेल सकते है, लेकिन जो लॉर्ड बोरोस था मोस्ट पावरफुल विलन इसकी सीरीज का, वो भी इसके एक सीरीज पंच में एक्सप्लोड हो गया था। एंड उसके पीछे जितने भी क्लाउड्स थे ना वो सारे दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए थे। इतनी पावरफुल शॉक वेव पैदा हुई थी इसके सीरीज पंच में। एंड इसके नॉर्मल पंच की शॉक वेव ने तो माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। तो भाई साइतामा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, स्टेमिना रखता है, ड्यूरेबिलिटी रखता है, एंड स्पीड भी ऑब्वियसली उसकी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि यार उसने मून से अर्थ तक के डिस्टेंस को सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ही कवर कर लिया था। एंड लिटरली साइतामा की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है ना कि इसकी सीरीज में जो विलन इसके ऊपर अटैक करते थे भाई, उनको खुद को लगती थी पर साइतामा उस जगह से हिलता भी नहीं था। तो आप समझ सकते हो भाई साइतामा एक्चुअली में कितना ज़्यादा ताकतवर है। एंड जो साइतामा है लिटरली उसके फेस के एक्सप्रेशंस भी अभी तक कोई चेंज नहीं कर पाया है, वो अपनी इन सारी पावर्स से बोर हो चुका है, उसको एक टफ फाइट चाहिए। एंड लॉर्ड बोरोस जो मोस्ट पावरफुल आता था ना इसकी सीरीज का विलन, वो भी इसको टफ फाइट नहीं दे पाया भाई। वो गैलेक्सी टू गैलेक्सी जाता था, मोस्ट पावरफुल बींग्स के साथ लड़ता था, लेकिन उसने खुद कहा कि उसने साइतामा जितना पावरफुल बींग कभी भी नहीं देखा भाई अपनी पूरी लाइफ में। एंड अभी तक तो साइतामा ने अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल कभी यूज भी नहीं किया है, ये तो उसकी पावर्स का लगभग 5% था भाई। अगर सीरियस पंच मतलब अपना फुल पोटेंशियल वाला मार दे तो डेफिनेटली वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ सोच के नहीं चलेंगे कि जब ये अपनी पावर्स का 100% यूज कर देगा तो क्या कर सकता है, बिकॉज जो चीज हमें देखने को मिली नहीं है तो हम उस चीज को क्यों ही माने, ठीक है। ट्रेडएक्स एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने नॉलेज, अपने कॉमन सेंस को यूज करके पैसा कमा सकते हो। आपको बस यहाँ पर अपने ओपिनियन को यस और नो में बताना है और फिर आपको यहाँ से ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके पसंदीदा टॉपिक्स लाइक T20 क्रिकेट, मूवीज, न्यूज, करंट अफेयर, क्रिप्टो, एंटरटेनमेंट लाइक बिग बॉस। यहाँ तरह तरह के इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे कि अभी इवेंट चल रहा है कि क्या स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ कमा पाएगी या नहीं। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जाकर के यस और नो में अपना ओपिनियन लगाना है, और अगर आप लोगों का ओपिनियन सही हुआ तो आपको मिलेंगे बहुत सारे पैसे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि 18 दिसंबर को फर्स्ट 20 ट्रेडिंग पे जीते हुए कपल्स को मिलेगी इनकी तरफ से टिकट, एंड लिटरली आप वहां जाकर के नो वे होम मूवी देख सकते हो। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करो, मेरा रेफरल कोड यूज करो एंड आपको मेरी तरफ से मिलेंगे 10 रुपीज एक्स्ट्रा। एंड ट्रेडएक्स ऐप के अंदर ये भी फीचर है कि जितने भी लोग इस ऐप के ऊपर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, अगर उन लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम 1 करोड़ क्रॉस कर पाएगी तो आपके शेयर का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, और फिर आप उन सारे शेयर्स को सेल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। तो भाई काफी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर इसको डाउनलोड करना। तो अभी हमने इनकी पावर, इनकी एबिलिटीज तो देख लिया ना, तो अभी देखते हैं कि इस बैटल से सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर जाता है। देखो यहाँ पर अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर चला जाता है ना तो ऑफेंड होने वाली बात नहीं है यार, यहाँ पर नॉन कैनन कहानी समझो और खत्म करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर इस बैटल से जाने वाला है वो है एक्चुअली में सुपरमैन। देखो यार मानते हैं सुपरमैन है तो काफी ज्यादा ताकतवर गॉड लाइक पावर्स रखता है यार, बट अगर हम एक चीज को देखें ना तो जब इसके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो भाई इसकी मतलब कंडीशन कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब हड्डी बन गया था लिटरली पूरी तरह से। इसको सन से एनर्जी लेना पड़ी, अगर नहीं लेता तो लिख के ले लो भाई, इसको बहुत ज्यादा डैमेज होना था।
तो यहाँ पर देखो ये बंदे को न्यूक्लियर अटैक से डैमेज पहुंचा है, वो भी बहुत खतरनाक लेवल का। और यहाँ पर अगर क्रेटोस से लड़ने को जाएगा तो भाई क्रेटोस के पास तो ब्लेड ऑफ ओलंपस है जिससे कि गॉड्स को मारा जा सकता है। देखो यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रेटोस के पास तो स्पार्टन रेज है, लेविथन एक्स है, ब्लेड ऑफ ओलंपस जैसे पावरफुल वेपन्स है। मानते हैं सुपरमैन के पास यार उसकी स्पीड काफी अच्छी है, उसके पंचेस में काफी ज्यादा दम है एंड उसके पास हीट विजन भी है। मतलब हाँ सुपरमैन के पास भी एडवांटेज है, लेकिन यार क्रेटोस जो है ना भाई उसका जो ब्लेड ऑफ ओलंपस है मुझे लग रहा है उसकी वजह से सुपरमैन के ऊपर डैमेज हो सकता है। क्योंकि यार जो सुपरमैन है वो यार न्यूक्लियर मिसाइल से इतना ज्यादा डैमेज हो गया था, हड्डी हो गया था, लिटरली इतना ज्यादा वीक हो गया था। तो हाँ क्रेटोस के पास तो ब्लेड ऑफ ओलंपस है जो कि लिटरली गॉड को मारने वाली स्वॉर्ड है, तो इसकी वजह से वो सुपरमैन को भी बहुत भारी डैमेज पहुंचा सकता है। और डांटे की तो भाई बात ही मत करो, मतलब नॉर्मल फॉर्म में तो डांटे को काफी अच्छी टक्कर दे देगा, लेकिन जब डांटे चले जाएगा अपने जो उसका पूरी अल्टीमेट डेविल फॉर्म है ना भाई, तब तो भाई सुपरमैन को आराम से हरा सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास मैजिकल वेपन्स आते हैं, उसके पास मैजिक की पावर आ जाती है, तो भाई यहाँ पर सुपरमैन की तो वीकनेस ही मैजिक है। और यहाँ पर भाई साइटामा से लड़ने को जाते हैं तो यार साइटामा ने भाई लिटरली सिर्फ 5% का यूज़ किया है और लिटरली अपने सीरीज के मोस्ट पावरफुल बींग को सिर्फ एक सीरियस पंच में एक्सप्लोड कर दिया था। तो यार सुपरमैन के ऊपर बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पंचेस का यूज़ करना है ना, और लिटरली भाई उसकी कंडीशन को ख़राब कर देगा। मतलब सुपरमैन के ऊपर ना जब इतने सारी सीरियस पंचेस पड़ेंगे तो डेफिनेटली भाई उसको सन की एनर्जी लेने को फिर से भाई ऊपर अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पर जो साइतामा है ना उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो भाई साइतामा मुझे नहीं लगता कि उसको इतना भी मौका देगा कि उसको अर्थ से बाहर सन के करीब जाने का चांस मिल जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बैटल से सबसे पहले सुपरमैन जा सकता है। तो अभी नेक्स्ट कैरेक्टर जो इस बैटल से जाने वाला है वो है क्रेटोस। एक्चुअली में क्रेटोस है काफी ज्यादा ताकतवर, लेकिन यार डांटे के साथ जब वो लड़ेगा ना भाई तो डांटे के साथ वो अपनी इंटेलिजेंसी का काफी अच्छा यूज करेगा, एंड फाइट्स में जो वो सीरियस रहता है ना वो उसकी काफी अच्छी बात रहती है, एंड अपने वेपन्स का भी काफी अच्छा यूज करेगा। बट डांटे ने अगर उसको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया ना, जैसे वो अपने हर विलन के साथ करता है, ऐसा फाइट में लड़ता थोड़ी है, वो खेलता है ना, तो यहाँ पर अगर वो यहाँ पर क्रेटोस के साथ ऐसा करेगा तो भाई उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। लेकिन यार इसके बावजूद भी जो डांटे है ना वो अपने ट्रू डेविल फॉर्म में रहेगा तो भाई उसका काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा, उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा रहेगी। बस उसको फाइट में यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, एंड अगर सीरियस होएगा तो इजिली थोड़ी बहुत उसको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बाकी वो क्रेटोस से जीत जाएगा। और क्रेटोस अगर साइतामा से लड़ेगा तो भाई डेफिनेटली साइतामा के पंचेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, रिफ्लेक्सिस तो भाई अल्टीमेट है, एंड इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है साइतामा की, लिटरली क्रेटोस के अटैक्स मुझे नहीं लगता है कि उसको डैमेज दे पाएंगे। तो हाँ अभी क्रेटोस इस बैटल से जा चुका है। तो अभी बचते हैं सिर्फ 2 कैरेक्टर, दांते एंड साइतामा। दोनों के पास बहुत सारी पावर्स है, दोनों के बीच में बैटल अभी काफ़ी खतरनाक होगी, एंड दोनों के पास अपनी अपनी जगह पे काफी सारे एडवांटेजेस आते हैं। साइतामा के पास उसकी स्ट्रेंथ का, ड्यूरेबिलिटी का, पावरफुल पंचेस का एंड उसके स्टेमिना का काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ है डांटे, डांटे के पास भी यार अपनी स्ट्रेंथ का, वेपन्स का, मैजिक वगैरह की पावर्स का, एंड भाई उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, वो उड़ भी सकता है, इमोर्टल है, एंड सबसे बड़ा एडवांटेज तो उसके पास ये है कि उसके पास क्विक सिल्वर है जिसकी हेल्प से वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे ना तो जहाँ तक मुझे लग रहा है दांते के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज उसके पास क्विक सिल्वर है जिसकी हेल्प से अगर मान लो साइतामा उसके ऊपर अपने बहुत फास्ट तरीके से आकर के उसके ऊपर अटैक करेगा ना, तो वैसे दांते भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसके अटैक को रोकने की ताकत भी रखता है, लेकिन वो क्विक सिल्वर की हेल्प से टाइम को कंट्रोल कर सकता है। तो ऑफकोर्स वो टाइम को स्लो कर देगा, साइतामा को हरा देगा, अपने इतने सारी वेपन्स रखता है, और साइतामा यहाँ पर कोई इमोर्टल तो है नहीं जो कि यार दांते के मैजिकल स्वॉर्ड से उसके इतने पावरफुल डेडली वेपन से बच जाए। तो हाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है क्विक सिल्वर की हेल्प से एंड अपने इतने सारी मैजिकल ऐसे डेडली वेपन्स की वजह से दांते जीत सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ट्रेड एक्स ऐप को जरूर ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जाओ उसको डाउनलोड करो, एंड मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना, मेरी तरफ से 10 रुपीज मिल जाएंगे ना आप लोगों को, तो जाओ यार उसको जल्दी से डाउनलोड कर लो। एंड हाँ यार अब भी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।